वैसे तो सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन हमारे समाज में लोग गोरे लोगों को ही सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं। हमारे समाज में कभी कभी गोरे और काले के बीच इतना भेदभाव किया जाता है कि गेहुआ रंग वाला व्यक्ति खुद को ज्यादा अपमानित और उपेक्षित महसूस करता है, जबकि सच तो ये है कि व्यक्ति का गोरा या काला होना उसके अपने हाथ में नहीं होता है। दुनिया भर में लोगों की त्वचा का रंग अलग अलग होता है। अफ्रीकी देशों में लोग काले रंग के होते हैं, जबकि अमेरिका में ज्यादातर लोग गोरे रंग के होते हैं। भारत में मिले जुले रंगों वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गेहुआ रंग वाले लोग ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हम सबका कलर सेम क्यों नहीं होता है? क्यों हम सबके स्किन कलर्स इतने अलग होते हैं? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी त्वचा गोरी या काली कैसे होती है और इसके पीछे क्या कारण होता है। मेलानिन। मनुष्य के शरीर में एक मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके आधार पर उसकी त्वचा गोरी या काली होती है। सूर्य के प्रकाश के अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में आने पर शरीर के टिश्यू अधिक मात्रा में मेलानिन उत्पन्न करने लगता है, तो शरीर की त्वचा काली हो जाती है। और जब शरीर के टिश्यू ज्यादा मेलानिन नहीं उत्पन्न करते हैं तो स्किन गोरी होती है। यही कारण है कि हम गोरे और काले होते हैं। अफ्रीका जैसे देशों में तापमान ज्यादा रहता है, इसलिए वहाँ के लोगों का रंग काला होता है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में तापमान कम रहता है, इसलिए वहाँ पर लोगों का रंग गोरा रहता है। फोलेट विटामिन। इसके अलावा स्किन का काला रंग शरीर में फोलेट नामक विटामिन को भी नष्ट होने से बचाता है। ब्लैक स्किन सूर्य के तेज प्रकाश को शरीर के भीतर जाने से रोकती है, जिससे विटामिन D3 के प्रोडक्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। जबकि ठंडी जगहों पर रहने वाले लोगों में विटामिन D3 की कमी होती है, जिससे कि उनके स्किन का रंग साफ होता है। मैल न्यूट्रिशन। हालांकि काले और गोरे स्किन होने की एक वजह यह भी मानी जाती है कि यदि बच्चा कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन का शिकार है तो उनके मसल्स लगातार कमजोर होते जाते हैं। ऐसे बच्चे के शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है। जेनेटिक रीजन। हमारे गोरे या काले होने का एक रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। यदि पेरेंट्स गोरे या काले हैं तो ज़्यादातर बच्चों के स्किन का कलर उनके पेरेंट्स के जैसा ही होता है। इसके अलावा हमारे वातावरण भी हमारी त्वचा के गोरे या काले होने के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले ज़्यादातर लोग गोरे होते हैं, जबकि गर्म क्लाइमेट में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का रंग गेहुआ या फिर काला होता है। खैर, ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है रंग गोरा काला या सांवला होने का, पर रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मन साफ है और आप इरादे के पक्के हो तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती है, और सब लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आपके फैंस भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा को ही ले लीजिए। सक्सेस आपके कदमों में तभी आती है जब आपके इरादे पक्के होते हैं। स्किन कलर्स के बारे में आप क्या विचार रखते हैं हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।